नमस्कार, सिटी लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। मैं नैंसी काम्बोज। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य गतिविधियों पर। राज्य मंत्री करण देव काम्बोज का बयान, अब की बार 90 की 90 विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में होंगी। रादौर में एक युवक पर नाबालिग युवती को डरा धमकाकर उसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। अपराध रोकने को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। अब गतिविधियां विस्तार से। राज्य मंत्री करण देव काम्बोज का बयान, अब की बार 90 की 90 विधानसभा सीट बीजेपी की झोली में होंगी। हरियाणा में बीजेपी का कोई कंपटीटर नहीं है, विपक्ष बिखरा हुआ है। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का सेनापति ही पार्टी छोड़कर भाग गया। हरियाणा खाद्य आपूर्ति विभाग के राज्य मंत्री करण देव काम्बोज आज यमुनानगर पहुंचे। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए राज्य मंत्री ने दावा किया कि अब की बार हम 90 की 90 विधानसभा सीटें जीतने वाले हैं। यदि आज आप हरियाणा में जाकर कहीं भी देखेंगे तो विपक्ष पूरी तरह बिखरा पड़ा है, विपक्ष के पास आज कोई भी मुद्दा नहीं है। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए करण देव काम्बोज ने कहा कि यहाँ तो जो विपक्षी पार्टी है उनका तो सेनापति ही भाग चुका है, और जिस प्रकार से राहुल गांधी इस्तीफा देकर रोज नौटंकी कर रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने 10 साल में क्या किया है और इस जनता ने उनके कार्यकाल को भोगा है, और हरियाणा की जनता जानती है कि इन लोगों ने समाज को कुछ भी नहीं दिया। देखिए, ये पहली सरकार है जिसने सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रखा है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सबके लिए कुछ ना कुछ काम करने का इस सरकार ने कार्य किया है। सबको कोई ना कोई मदद करने का काम इस सरकार ने किया है, और कर्मचारियों के लिए ऐसे बहुत से कर्मचारी थे जो इस सरकार में, जिनकी हमने तनख्वाहें भी दुगुनी की हैं, जिनके ऊपर हटाने की तलवार लटक रही थी, वो तलवार भी जो है ना, वो जो उनके ऊपर इस प्रकार का एक खतरा मंडरा रहा था, उस खतरे को भी हमने समाप्त किया है। तो कर्मचारियों के जब भी वाजिब मांगे सरकार के सामने आई है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने दरिया दिली दिखाते हुए सहानुभूतिपूर्वक उन पर विचार करके और अपने कर्मचारियों को राहत देने का काम किया है। कुछ लोग जो है सिर्फ राजनीति करने के मकसद से इस प्रकार की अफवाहें जो है ना वो करते हैं, जबकि आज कर्मचारी जो है ना पूरी तरह से संतुष्ट हैं, और जो लीडर ट्राइब लोग हैं, जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, सिर्फ उन्हीं में मायूसी है, दूसरे लोगों में किसी प्रकार की मायूसी नहीं। तो हरियाणा एक रोल मॉडल बना है पूरे देश के लिए, तो यहाँ कर्मचारियों के लिए इतनी मदद जो है हरियाणा की सरकार ने की है। विजय का लक्ष्य पार्टी ने एक मैसेज दिया है कि अब की बार 75 पार, अब की बार तो हम 90 के 90 सीटें जीतने वाले हैं। आज आप अगर फील्ड में जा करके देखेंगे कहीं भी विपक्ष जो है ना बुरी तरह से बिखरा पड़ा है, मरा पड़ा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है। और जब युद्ध में सेनापति भाग जाता है, कोई भी सेना जब लड़ाई लड़ती है, युद्ध लड़ती है, चाहे वो बेशक हार रही हो, लेकिन उनका सेनापति जो है उनका मनोबल बढ़ाता है सैनिकों का। यहाँ तो जो विपक्षी पार्टी थी उनका तो सेनापति भाग गया, इस्तीफा दे करके राहुल रोज जो है ना नौटंकी कर रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा इस्तीफा, जबकि इस समय राहुल ने अपनी पार्टी को संभालना चाहिए था, अपनी पार्टी का जो है ना नेतृत्व करना चाहिए था, लेकिन ऐसे समय में वो छोड़ करके भाग गया, यानी कि उसने सरेंडर कर दिया कि हमारे बस की कोई बात नहीं है। तो विपक्ष के पास आज ना तो कोई मुद्दा है, किसी भी प्रकार का कोई मुद्दा नहीं है, कंपिटिटर ही नहीं है। तभी तो हम कह रहे हैं कि अब की बार तो हम 90 के 90 विधानसभा जीतने वाले हैं। 90 के 90 विधानसभा अब की बार हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड, जैसे हमने लोकसभा में कायम किया है 10 की 10 सीटें जीती हैं, हरियाणा की विधानसभा में हम एक इस प्रकार का रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। विजयवाला जी का बहम हरियाणा की जनता ने जींद की धरती पे पहले ही निकाल दिया है, अब उनको भी कोई बहम नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दुर्गति जींद के अंदर हुई है आज उस बात को लेकर के वो बड़े छटपटा रहे हैं जो उनके साथ, क्योंकि वो अपने आप को बड़ा राष्ट्रीय नेता समझते थे, लेकिन जिस प्रकार से जींद की जनता ने उनकी वहाँ जींद के अंदर दुर्गति की है तो वो कभी भूल नहीं पाएंगे, इसलिए जो है ना इस प्रकार के अनाप शनाप बयान देते हैं। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हरियाणा में आज विपक्ष की क्या स्थिति है, आने वाले चुनाव में इनकी क्या स्थिति रहेगी। यानी कि जिस प्रकार से कुछ तो पार्टियां परिवारवाद की पार्टियां थी, जो एक परिवार की प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां थी, आज वो बुरी तरह से भी कर रही हैं। कुछ पार्टियां ऐसी थी जिसमें कोई हिसाब नहीं है अभी, उसमें नेता कितने हैं, अपने आप को एस्टेब्लिश करने के लिए, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो वहाँ जूतम पेल हो रही है, तो इससे अंदाज़ा लगा सकता है कि हरियाणा के अंदर, जबकि एक असली लोकतंत्र के अंदर जो है एक अच्छा जो है ना मजबूत विपक्ष होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन हरियाणा के अंदर इस प्रकार की कोई स्थिति नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ पड़ा है,
और विपक्ष के पास ना कोई मुद्दा है ना कोई उनके पास कोई विचार है। और लोगों ने जिस प्रकार से पिछले 10 साल तक यहाँ इस सरकार को पिछली सरकार को भुगता है तो लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि इन्होंने समाज को दिया क्या है, इन्होंने देश को प्रदेश को दिया क्या है, तो इसलिए लोगों ने पूरी तरह से उनको नकार भी दिया। रादौर में एक युवक पर नाबालिग युवती को डरा धमका कर उसे छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है। नशे की गोलियां देकर युवती से करता था छेड़छाड़। पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। रादौर के छारी के माजरा गांव में रहने वाले एक युवक पर गांव की ही एक नाबालिग युवती को डरा धमकाकर नशे की गोलियां देकर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। नशे की गोलियां खाने से युवती की तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद परिजन उसे अस्पताल ले गए हैं, जहां युवती की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला जी देखो जी, लड़की को छेड़ता था, स्कूल में जाती थी या कब का मामला है? ये 6-7 महीने के सर। तो लड़की को पैसे पूसे भी देवाता, ब्लैकमेल भी कराता, नींद की गोलियां देवाता इसको, और पैसे भी देवाता, छोटे भाइयों को भी देवाता, लड़की को भी देवाता लालच में, तो इनको मारने की धमकी भी देवाता बच्चों को। और जब भैया मेरा समझाने के लिए कहन गया उनके घर पे, उसके ऊपर हत्थापाई करी, मारपीट करी भाई के साथ मेरे, समझाने के लिए गए भाई चल गली मल्ले का समझ जाएगा अपने आप, नहीं समझा जी, 3-4 वाक्य कर लिए ना लड़की के साथ ऐसे, आती जाती ना स्कूल में छेड़ता है जी, ब्लैकमेल करता है। हाँ जी, कल दी धक्के से, फोटो भी दी, गोलियां भी दी, कल आया लड़की को पता नहीं क्या डर दिया ना क्या नहीं दिया, आया लड़की ने घर में आकर गोली खाई जी। हाँ जी, नशे की गोलियां देता था। हम तो नहीं कहा भाई लड़का यू, कुछ डर होना चाहिए इसके अंदर, बस नशा मिलना चाहिए जी, माना बस। हाँ जी, गिरफ्तार नहीं होना चाहिए, नशा होना चाहिए, छोटे छोटे बच्चे हैं इसके भाई जान दो। कल एक लड़का आया था, उसने ना दवाई दी कि ना खा ले, जो ना खाई ना तो तेने कितने में मार दूंगा मैं थार घर का, नहीं ये बात कही थी उसने। क्या पहले भी आपके साथ ऐसे छेड़खानी करता था ये लड़का? कहाँ क्या ये लड़का? वहीं कही है माजरे का। ये कहता था कि हर घर के को मार दूंगा, धमकी देखा फिर। तो बीच में रोकता भी था स्कूल जैसे आप जाते थे? हाँ, स्कूल जाते थे तो रोकता था। अपराध रोकने को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट। सावन मास को लेकर शिव भक्तों को किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए, इसको लेकर पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। अपराध रोकने को लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। सावन मास शुरू हो चुका है और किसी प्रकार से शिव भक्तों की यात्रा बाधित ना हो, जिले में रात के समय कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब ना करे, इसको लेकर यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। यमुनानगर के विभिन्न चौकों पर यमुनानगर पुलिस द्वारा नाइट डोमिनेशन के तहत रात भर नाके लगाए गए और आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। नाइट डोमिनेशन के दौरान चेकिंग कर रहे पुलिस अधिकारी भूपेंद्र राणा ने बताया कि नाइट डोमिनेशन अभियान अपराध को रोकने के लिए है और आने जाने वाले वाहन की चेकिंग की जा रही है। यह अभियान रात भर से लेकर सुबह तक चलेगा ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो, और जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा चल रही है उसमें किसी भी शिव भक्त को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए यमुनानगर पुलिस पूरी तरह से तत्पर है और यह अभियान समय समय पर पूरे जिलों में चलाया जाएगा। इस दौरान शहर में घूम रहे शरारती तत्वों पर नज़र रखी जाएगी, क्योंकि अक्सर कुछ शरारती तत्व नशे में रात को हुल्लड़बाजी कर माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है। जिला पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और पूरी मुस्तैदी के साथ ये नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया जा रहा है। Thank you.
ये मेडल इवेंट्स की क्लास के लिए और आज जब नावर चल रही है कि कोई ऐसा वारदात या कोई इसके साथ ना हो, कोई हथियार लेके ना चले, इसकी क्लास में। तो कब तक चलेगा सर ये? सुबह 4 बजे तक, 11 बजे 10 बजे 4 बजे। ये अप्रिय घटना को रोकने के लिए और पुराने तलाशी कोई नशीला पदार्थ या उसकी चेकिंग के लिए कोई हथियार लाठी डंडा वगैरह। आज की गतिविधियों में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।